हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रसूले किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही टेस्टी से खस्ता और मेघी रेसिपी शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, आप उसको खुरमा भी कह सकते हो, चंद्रकला भी कह सकते हो, सरेमा भी कह सकते हो, जो आपके यहाँ कहते हो वो मुझे आप जरूर बताइएगा आपके यहाँ क्या कहते हैं। हमारे यहाँ फ्रेंड इसको खुरमा कहते हैं। बहुत ही खस्ता, बहुत ही चाशनी से भरपूर खुरमे बन के तैयार हुए हैं। आप इसी तरीके से घर में बहुत ही आसानी से खुरमे बनाकर खा सकते हो। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। चलिए फ्रेंड, खस्ता खुरमे की रेसिपी शुरू करते हैं। खुरमा बनाने के लिए फ्रेंड सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने लिया 250 ग्राम मैदा। मैदा को अच्छे से छान लिया। एक चुटकी हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। किसी भी मीठे में आप नमक डालना तो उसका जायका बढ़ जाता है। एक चुटकी लिया है फ्रेंड्स मैंने ऑरेंज फूड कलर, ये ऐड कर देते हैं। मैं बिल्कुल आपको हलवाई की तरह खुरमे बनाना बता रही हूँ। अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो कलर। मिक्स कर लेते हैं। मोइन के लिए लिया है मैंने 75 ग्राम घी। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, आप डालना या रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। घी को फ्रेंड्स मैंने मैदा में ऐड कर दिया है। अच्छे से मैदा को मिक्स कर लेते हैं घी में, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। घी डाल दिया फ्रेंड्स मैंने मैदा को, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। डो आपको ना सख्त लगाना है ना हार्ड लगाना है, सेमी सॉफ्ट डो बनाकर हमें तैयार करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया। 75 ml मैंने पानी का इस्तेमाल किया था तो उसमें से थोड़ा सा पानी बच गया है। डो को उठाकर फ्रेंड 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर छोड़ देते हैं। और मौकनी है फ्रेंड चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए ले लिए मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में 300 ग्राम मैंने चीनी ऐड कर दी है और 300 ml हमें पानी लेना है। 300 ग्राम फ्रेंड्स मैंने चीनी ली थी, 300 ml मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। गैस का फ्लेम हाई है। 2 इलायची को कूट कर ऐड कर देते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। 2 से 3 जाफरान के धागे ऐड कर दें, इससे कलर और टेस्ट इनहेंस होकर आता है। अगर आपके पास हो तो ऐड करें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। चीनी को मेल्ट होने तक पका लेते हैं अभी। ये देखो फ्रेंड, चीनी हमारी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चाशनी को हमें जब तक पकाना है जब तक थोड़ी सी गाढ़ी और चिपचिपी नहीं हो जाती, हल्का सा इसमें तार बनना चाहिए चाशनी में, इतना पकाना है हमें अभी। ये देखिए फ्रेंड, चाशनी हमारी बनकर तैयार है। चाशनी गाढ़ी हो चुकी है और चाशनी में तार भी बनने लगा है। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले थोड़ी सी ठंडी कर लें चाशनी, नहीं तो उंगली जल सकती है। ये देखिए फ्रेंड, चाशनी में तार बन रहा है, आप देख सकते हो। ये देखें चाशनी में फ्रेंड बहुत ही अच्छे से तार बन चुका है। 2 से 3 ड्रॉप फ्रेंड नींबू की ऐड कर देते हैं जिससे चाशनी जमे नहीं। मिक्स कर लेते हैं, गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं, चाशनी को उठाकर फ्राई कर देते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड आटे को रेस्ट करते हुए, उन देख लेते हैं। आटे ने हमारी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। आटे को 1-2 मिनट के लिए और हम चिकना कर लेते हैं मसलकर। इस तरीके से थोड़ी सी फ्रेंड हम दोही तोड़कर पेड़ा बना लेते हैं। आपको फ्रेंड 2 तरीके बताऊंगी, आपको जो इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। इस तरीके से पेड़ा बनाकर पतली से रोटी बेल लेते हैं, यानी कि पूरी। आपके पास बड़ा कुकी कटर हो तो आप उससे भी कट कर सकते हो, लेकिन मैं टिफिन से कट कर रही हूँ। ये बड़ा है, उसकी धार भी बहुत तेज है। इस तरीके से कट कर लें, टेक्स्ट में उठा देते हैं। पूरी को उठाकर अभी साइड रख देते हैं, लेकिन मैं पूरे आटे की रोटी बेलकर इस तरीके से पूरी काट लेती हूँ। इससे ईजी होगा और जल्दी भी काम होगा हमारा। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने बड़ी सी रोटी बेल कर तैयार कर ली है। थिकनेस आप इसकी देख सकते हो कितनी पतली है। इसी तरीके से आपको बेलनी है, इसकी पूरियां काट लेते हैं हम इस तरीके से। इस तरीके से बेल कर काटते हैं तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता है फटाफट। और जितने अच्छे से आप मैदा में मोइन का इस्तेमाल करोगे उतने ही खस्ता फुरमे बन के तैयार होंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे। ऐसी सारी पूरियां काट लेते हैं। एक पूरी लेते हैं फ्रेंड्स, कॉर्नर में पानी लगा लें अच्छे से। दूसरी पूरी फ्रेंड्स इसके ऊपर रख देते हैं। इसके अंदर हमें किसी मावा वगैरह या किसी ड्राई फ्रूट की स्टफिंग नहीं करनी है, ऐसे ही हमें सादा बनाने हैं। अगर आपने खुरमे देखे हो तो वो सादा ही होते हैं। उठाकर डिजाइन बना लेते हैं, जिस तरीके से चंद्रकला पर डिजाइन बनाते हैं इसी तरीके से डिजाइन बनाना। इस तरीके से ये देखते हैं, इस तरीके से पूरे खुरमे में डिजाइन बनाने। ऐसे ही सारे फुरमे बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने फुरमे बनाकर तैयार कर लिया, वह मैंने फ्राई कर लेते हैं। फुरमे फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। छोटी सी आटे की बॉल डालकर देखते हैं ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए, बॉल डालते ही छोटे छोटे से बबल्स उसने डाले, बॉल्स हमारी ऊपर उठ के आ चुकी है। इतना ही ऑयल हमें गर्म चाहिए, तो मैं ऐड कर देते हैं।
फॉर्मे फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें, जिससे कि अंदर तक से फॉर्मे हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो। तो जितनी आपकी कढ़ाई में आसानी से आए उतना ही ऐड करें। अनस्ते पलटते हुए दोनों साइड से गोल्डन कर लेते हैं फॉर्मों को। फॉर्मे फ्रेंड्स हमारे फूल फूल कर ऊपर आ चुके हैं, इन्हें पलट देते हैं इस तरीके से और बहुत एहतियात के साथ पलटें, क्योंकि हमने ये इसमें बहुत ही अच्छे से डाला है, ये बहुत खस्ता है। इस तरीके से पलटते हैं सारे। ये देखिए फ्रेंड्स फॉर्मे हमारे दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और खस्ता भी बहुत है, आप देख सकते हो। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने खस्ता बने हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि ये बहुत खस्ता है। इस तरीके के स्टेनर में निकालें जिससे कि एक्स्ट्रा घी सारा निकल जाए। और बहुत ही मजेदार फॉर्मे बन के तैयार हुए थे। फॉर्मों को निकालकर फ्रेंड चाशनी में डिप कर देते हैं। चाशनी आपकी थोड़ी गुनगुनी होनी चाहिए, अगर चाशनी आपकी ठंडी हुई हो तो थोड़ा सा गुनगुना करना। 5 मिनट के लिए फ्रेंड्स फॉर्मों को ऐसे ही चाशनी में पड़े रहने देते हैं, जिससे कि चाशनी बहुत ही अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले फॉर्मे, ये साइड्स चेंज करते रहे इस तरीके से। ऐसे ही फ्रेंड्स हम दूसरा बैच फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। ऐसे 6 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड चाशनी में डिप हुए हुए, अब हमने निकाल लेते हैं। ये देखें बहुत ही जूसी से बहुत ही खस्ता फॉर्मे बनकर हमारे तैयार हुए हैं। ये देखें देखने से ही खाने की चीज का पता चल जाता है कि कितनी टेस्टी बनी है। ये देखें एकदम आप इस तरीके से बना हुए हो तो आपको मजा ही आ जाएगा ये फॉर्मा खाते ही। ऐसे ही फ्रेंड सारे फॉर्मे फ्राई करके डिप करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड दूसरा बैच भी बहुत ही अच्छे से चाशनी में डिप हो चुका है, आप देख सकते हो इतना क्रिस्प खुरमा बना है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड थोड़े से पिस्ते थोड़े से बादाम से गार्निश कर लेते हैं खुरमा को, थोड़े से फ्रेंड चांदी के वर्क से गार्निश कर देते हैं खुरमा को। आप देख सकते हो कितने अच्छे खुरमे लग रहे हैं देखने से ही। ये देखिए फ्रेंड हमारे मजेदार बहुत ही खस्ता जूसी से खुरमे बन के तैयार है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना खस्ता बना है, अंदर तक चाशनी इसमें भर हुई है। ये देख अंदर तक चाशनी बहुत ही अच्छे से इसके अंदर भर गई है और खाने में तो इतने टेस्टी थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बहुत ही खस्ता बनके तैयार हुए हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करिए।